उसका। ये थाना कोतवाली अंतर्गत चौकी खेड़ी का मामला है। लगभग सुबह 12 बजे सूचना आई कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ताप्ती घाट के पास जो हनुमान मंदिर है, काली माता का मंदिर है, और भैरव बाबा की मूर्ति और नंदी बाबा की मूर्ति, इसको किसी व्यक्ति ने खंडित कर दिया है। फिर जैसे ही सूचना मिली उसके बाद तत्काल पुलिस रवाना हुई, और उसके बाद वहाँ का पुजारी है धनराज यादव, उसकी सूचना पर फिर कोतवाली में मामला दर्ज किया गया 295 के तहत धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उसमें। उसके बाद तुरंत पता चला, FIR के बाद ये तस्दीक की गई तो पता चला कि ताप्ती घाट पर एक ललित प्रजापति नाम का व्यक्ति है जिसने पुजारी से वहाँ पर भी झगड़ा किया था शराब के नशे में। और फिर जैसे ही पता चला, संदेह के आधार पर उसको पूछताछ की गई तो जिसने अपना जुर्म कबूल किया कि मैंने ये मूर्तियाँ जो है वो खंडित की। उसने बताया कि जब वो ताप्ती घाट तरफ से आ रहा था तो पूर्व में भी क्या है कि वो शराब पीकर जब घटना मंदिर जाता था तो पुजारी उसको टोंकते थे कि शराब पीकर क्यों मंदिर में आता है पूजा करने। तो फिर उसको इसी बात का गुस्सा था कि मुझे मंदिर में दर्शन नहीं करने देते हैं, मुझे शराब पीने से रोकते हैं। तो फिर उसी कुछ आवेश में आकर उसने शराब के नशे में ये घटना को अंजाम दिया।